हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे दिल्ली। विशेष बैठक में शामिल होने के साथ जातीय जनगणना एवं सरना धर्म कोड के मुद्दे पर अमित शाह से करेंगे मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में है। आज रविवार को दिल्ली में उनकी दो महत्वपूर्ण बैठक है। पहली देश के नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक होनी है, जिसमें हेमंत सोरेन भी शिरकत करेंगे। दूसरा, झारखंड में जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड के मुद्दे पर झारखंड का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री से मिलेगा, जिसमें सरकार में शामिल सभी दलों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में देश के सभी नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक होगी। झारखंड के 24 जिलों में से अधिकांश जिले नक्सल प्रभावित हैं। ऐसे में बैठक में झारखंड का मामला प्रमुखता में रहेगा। झारखंड में नक्सलवाद से निपटने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं और इसमें केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही सहायता को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। वहीं दूसरी बैठक में बिहार की तरह झारखंड में भी इस समय जातीय जनगणना को लेकर पुरजोर आवाज उठ रही है। साथ ही सरना धर्म कोड भी चर्चे में है। इन दोनों मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री से बात करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के असर, आज से दिखेगा चक्रवात का असर। म्यांमार में बने चक्रवात के असर के कारण शनिवार की शाम से ही झारखंड में मौसम बदल रहे हैं। यह बंगाल की खाड़ी से होते हुए उड़ीसा के तटीय क्षेत्र से टकरा सकता है। इस कारण राज्य के उत्तरी और मध्य भाग में कहीं कहीं हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है, तो कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। सरायकेला और चाईबासा को छोड़कर शेष जिलों के लिए मौसम केंद्र के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस चक्रवात का असर आज 26 से लेकर 28 सितंबर तक देखने को मिलेगा। इस दौरान राज्य में मेघागर्जन और वज्रपात की प्रबल संभावना है। हालांकि 28 के बाद बारिश में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मानसून की स्थिति सामान्य रही है। वहीं आज की बात करें तो आज जो है कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है, तो कई जिलों में भारी बारिश की भी प्रबल संभावना बन रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीएससी की बैठक 27 को विस्थापन आयोग व जनजातीय विश्वविद्यालय पर हो सकती है चर्चा। नई नियमावली के तहत गठित जनजातीय परामर्शदात्री समिति टीएससी की 27 सितंबर को होने वाली दूसरी बैठक में राज्य में विस्थापन आयोग के गठन व जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के लिए कुल जो है 11 एजेंडे तय किए गए हैं, जिसमें ये दो मुद्दे भी शामिल हैं। टीएससी की बैठक में राज्य में आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने में आने वाली समस्याओं के समाधान की भी रास्ता ढूंढा जाएगा। बनने वाले जाति प्रमाण पत्र को जीवन भर के लिए मान्य किए जाने पर निर्णय लिया जा सकता है। आदिवासियों को बैंक से ऋण लेने में हो रही परेशानियों को दूर करने पर भी बैठक में चर्चा होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना हेलमेट व लाइसेंस के बच्चे दौड़ाएंगे बाइक तो माँ बाप को थाने में लगानी होगी हाजिरी। अगर आपके बच्चे बिना हेलमेट और लाइसेंस के सड़कों पर बाइक दौड़ा रहे हैं, आपने उन्हें लाड प्यार में बाइक थमा रखी है, तो सावधान हो जाएं। हजारीबाग पुलिस अब ऐसे बच्चों के अभिभावकों की काउंसलिंग करने का अभियान चलाने जा रही है। मतलब साफ है कि अगर आपके बच्चे बिना लाइसेंस व हेलमेट पकड़े जाएंगे तो उनके माता पिता को पुलिस की टीम के समक्ष हाजिरी लगानी पड़ेगी। पुलिस के सवालों का जवाब देना होगा। काउंसलिंग के दौरान उन्हें सड़क जो है दुर्घटनाओं के आंकड़ों से भी रूबरू कराया जाएगा। एसपी मनोज रतन चौधरी की पहल पर सोमवार से हजारीबाग पुलिस अभियान शुरू करने जा रही है। बच्चों के पकड़े जाने पर जो है सीसीआर कंट्रोल रूम में अभिभावकों को बुलाया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत बंद के दौरान पूरे रांची में लागू रहेगी निषेधाज्ञा। संयुक्त किसान संगठनों के सोमवार को भारत बंद के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी। जिला प्रशासन ने कहा है कि कोरोना से बचाव एवं संक्रमण को देखते हुए खुले स्थान एवं हॉल में 100 से अधिक लोग के जमा होने पर रोक है। किसी प्रकार की रैली जुलूस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बंद के दौरान बंद समर्थकों द्वारा यातायात व्यवस्था बाधित करने साथ साथ सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, पेट्रोल पंप, दुकानों, वाहनों आदि को क्षति पहुंचाने और शांत भंग होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है एसडीओ ने पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। निषेधाज्ञा सोमवार की सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर इस क्षेत्र में 5 से अधिक के एक स्थान पर जमा या चलने पर रोक रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सरकारी स्कूलों में होगी 75,000 शिक्षकों की भर्ती। झारखंड में प्राथमिक और मध्य प्राथमिक विद्यालयों में करीब 75,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। इस भर्ती के लिए कवायद शुरू हो गई है। शिक्षकों के नए पदों के सृजन के साथ नियुक्ति नियमावली संशोधन की तैयारी चल रही है। शिक्षकों की इस वैकेंसी में वैसे पद भी शामिल होंगे जो 2015-16 में नियुक्ति के बाद भी रिक्त रह गए थे। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार झारखंड का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। यदि शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने पर सहमति नहीं बनती है तो इससे पहले भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। बता दें कि झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा अभी तक सिर्फ 2 बार 2012 और 2016 में हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएलएफआई एरिया कमांडर समेत 6 उग्रवादी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। टेबू थाना क्षेत्र के बोबोंगा जंगल से हुई गिरफ्तारी। पश्चिमी सिंहभूम जिला के 4 थाना क्षेत्र टोबो, कराईकेला, टोकलो और बंदगावा में आतंक का पर्याय बन चुके उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का एरिया कमांडर हरि सिंह सांडी मूर्ति उर्फ मोदी समेत 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी टेबो थाना क्षेत्र के बोबोंगा जंगल से हुई है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। एरिया कमांडर के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिला के विभिन्न थानों में 28 और खुट्टी जिले के विभिन्न थानों में 3 मामले दर्ज हैं। एसपी अजय लिंडा ने बताया कि गिरफ्तार होने वाले एरिया कमांडर के अलावा दादुआ पूर्ति, डॉन बोस्को सांडीमूर्ति, बिरसा सांडीमूर्ति, जोनी बोद्रा और सुनील हनीमूर्ति शामिल हैं। दादुआ पूर्ति के खिलाफ विभिन्न थानों में 5 मामले दर्ज हैं, जबकि डॉन बोस्को के खिलाफ 2 और प्रशासन और बिरसा के खिलाफ 1-1 मामले दर्ज हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना मास्क निकलने वालों पर होगी सख्ती। रांची जिले में बिना मास्क निकलने वालों के साथ सख्ती की जाएगी। कोरोना से बचाव और त्योहारों के लिए जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है। नियमों का पालन कराने के लिए टीम बनाई जाएगी। शहर को विभिन्न क्षेत्रों में बांटकर दंडाधिकारियों की टीम बनाई जाएगी। इसमें संबंधित थानों की पुलिस भी रहेगी और नियमित जाँच अभियान चलाया जाएगा। जाँच के दौरान टीम शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर दुकानों में जाँच करेगी। दुकानों में बिना मास्क के ग्राहक और कर्मचारियों के पाए जाने पर सख्ती की। जिन दुकानों में नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुकानों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की जिम्मेदारी भी प्रतिष्ठान संचालक की होगी। सभी को सैनिटाइजर भी रखना होगा। नियमों का पालन कराने वाली टीम हर दिन अभियान चलाकर उपायुक्त कार्यालय को रिपोर्ट भेजेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जयंती पर राजधानी रांची में याद किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर राजधानी रांची में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद संजय सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शाह, सांसद दीपक प्रकाश समेत कई जो है वरिष्ठ नेताओं ने मोराबादी दीनदयाल नगर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर विधायक CP सिंह, नवीन जायसवाल, मेयर आशा लकड़ा शामिल थे। उधर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर हटिया विधानसभा के बूथ नंबर 296 में भी कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनलॉक झारखंड में इन चीज़ों पर लागू है प्रतिबंध। जाने क्या क्या है बंद। कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिरने के साथ साथ झारखंड में लॉकडाउन में लगातार छूट दी गई है। वर्तमान में स्थिति यह है कि राज्य में कोरोना के केस बहुत कम हैं। दूसरी ओर झारखंड लगभग अनलॉक हो गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी राज्य में साप्ताहिक लॉकडाउन लागू है। यह शनिवार की रात 11 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक प्रभावी है। सरकार द्वारा राज्य की आम जनता को कई रियायत देने के बावजूद साप्ताहिक लॉकडाउन में कई चीज़ों पर प्रतिबंध है। इसके तहत रविवार को खाने पीने के प्रतिष्ठान, फल सब्जी और राशन दुकानों को छोड़कर शेष सभी गतिविधियां पहले की तरह बंद रहेगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स रविवार को बंद रहेंगे। पार्क भी रविवार को बंद रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से 9 मोबाइल चोर गिरफ्तार, 80 मोबाइल जब्त। ऐसे करते थे मोबाइल की चोरी। झारखंड के कोल्हाल के अलग अलग शहरों में मोबाइल चुराने वाले गिरोह को पकड़ने में सरायकेला खरसावां पुलिस को सफलता मिली है। सरायकेला खरसावां पुलिस ने जमशेदपुर से सटे पारडी, सरायकेला व खरसावां में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर कुल जो है 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल के चोर शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में 3 झारखंड के साहेबगंज व 6 पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 80 मोबाइल बरामद किए हैं। बरामद किए गए मोबाइल में कई महंगे मोबाइल भी हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार चोरों का यह गिरोह जो है हाट बाजार समेत जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग की जेब से मोबाइल चोरी करने का काम करता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री से बात हुई। झारखंड में भी होगा लागू 27% ओबीसी आरक्षण। शनिवार को धनबाद में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित सम्मान सह अभिनंदन समारोह में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि वे ना विधायक है और ना ही मंत्री, एक सामान्य कार्यकर्ता हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए आप सभी के हित की बात करेंगे। मुख्यमंत्री से बात हुई है। झारखंड में भी 27% ओबीसी आरक्षण लागू होगा, इस पर मुख्यमंत्री विचार कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोलकाता में होगा झारखंड के कैंसर मरीजों का इलाज। झारखंड के कैंसर मरीज जल्द ही टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता में भी कैशलेस इलाज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर अपनी सैद्धांतिक सहमति देते हुए प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास भेज दिया है। गौरतलब है कि झारखंड से बड़ी संख्या में कैंसर मरीज कोलकाता में इलाज के लिए जाते हैं, पर मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत 5 लाख रुपए का अनुदान टाटा मेडिकल सेंटर में इलाज कराने वालों मरीजों को नहीं मिल पाता है। इसका कारण यह है कि स्वास्थ्य विभाग की सूची में यह अस्पताल शामिल नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री करेंगे चोरकारी पावर ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन। चतरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चोरकारी पावर ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर मां भद्रकाली मंदिर परिषद या पावर ग्रिड सब स्टेशन के समीप अस्थायी हेलीपैड पर उतरेगा। ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन करने के पश्चात मुख्यमंत्री की सभा भी होगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शनिवार को उपायुक्त अंजलि यादव ने जिले के अधिकारियों तथा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ पावर ग्रिड सब स्टेशन एवं मंदिर परिषद के हेलीपैड का स्थल का निरीक्षण किया है। दोनों स्थलों का निरीक्षण करने के पश्चात उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अभियंताओं के सहयोग से पावर ग्रिड सब स्टेशन के समीप ही हेलीपैड निर्माण कराने का प्रयास करें ताकि सड़क मार्ग से आने जाने के समय बचाया जा सके। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री 29 सितंबर या 1 अक्टूबर में से किसी एक तिथि को पावर ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनुबंध कर्मियों ने कॉलेज में कामकाज ठप रखा। रांची में नियमितीकरण की मांग को लेकर रांची विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों के अनुबंध शिक्षेतर कर्मी शनिवार को भी हड़ताल पर रहे। मारवाड़ी कॉलेज, रांची वीमेंस कॉलेज, एसएस मेमोरियल कॉलेज, डोरंडा कॉलेज आदि में कार्यरत अनुबंध कर्मियों ने कोई काम नहीं किया। मारवाड़ी कॉलेज परिषद में मारवाड़ी कॉलेज अनुबंध शिक्षेतर कर्मचारी संघ के तहत कॉलेज के सभी 70 अनुबंध कर्मियों ने सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप पर क्या बोले हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह। 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आयोजित नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के आयोजन को लेकर झारखंड हॉकी के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह सिमडेगा पहुंचे। स्टूटर्फ स्टेडियम निरीक्षण करने के बाद उन्होंने विभिन्न भवनों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में कई कमियां पाई गई जिसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। इधर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने बताया है कि 20 अक्टूबर लेकर 30 अक्टूबर तक आयोजित हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 20 अक्टूबर को सिमडेगा पहुंचेंगे। स्टोटर्फ स्टेडियम में नेशनल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टोटर्फ स्टेडियम का भी शिलान्यास करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मथुरा के बाद जल्द देवघर के प्रसिद्ध पेड़े को मिलेगा जीआई टैग। मथुरा की तरह देवघर के पेड़े को भी जल्द जीआई टैग मिलने वाला है। इससे देवघर के पेड़े को न केवल वैश्विक मान्यता मिलेगी बल्कि इसके कारोबार में भी उछाल आएगा। जहां तक देवताओं पर प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाने वाली सबसे पसंदीदा मिठाई पेड़े की बात करें तो मथुरा अपना जीआई टैग हासिल करके अन्य धार्मिक स्थलों से आगे चल रहा है। अब प्रसिद्ध देवस्थल बाद्यनाथ धाम अर्थात देवघर इसी राह आगे बढ़ रहा है। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार एक दिन पहले देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा है कि उन्होंने जिले के सभी पेड़ा निर्माताओं को 30 सितंबर तक उद्योग विभाग में अपना पंजीकरण जो कराने को कहा है। इसके बाद वह देवघर के पेड़े की जीआई टैग के लिए उपायुक्त प्राधिकार के पास एक औपचारिक आवेदन देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना टीका का दोनों डोज लेने वाले पुलिसकर्मियों की पूजा में ड्यूटी। दुर्गा पूजा से पहले जिले के 100% पुलिस वालों को दोनों डोज का टीका दे दिया गया है। अब उनकी ही तैनाती पूजा पंडालों में 3 लेयर में की जाएगी। इसके लिए शहरी और ग्रामीण इलाकों की पुलिस की टीम अपनी तैयारी कर रही है। इस बार भी दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल से लेकर बाहर तक 3 लेयर सुरक्षा को लेकर तैयारी की गई है। इसमें पूरी तरह से कोविड नियमों का भी ख्याल रखा जाएगा। इसमें पंडाल, उसके बाहर और सड़क पर 3 लेयर की तैनाती होगी। पंडाल के आसपास के पहले लेयर के अलावा दूसरे लेयर में पेट्रोलिंग पार्टी और अन्य बल होंगे। तीसरे लेयर में डीएसपी के नेतृत्व वाला सुरक्षा कवच होगा। इसके लिए हर पूजा पंडाल का आकलन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात खुद कंपनी का 9 लाख हड़पने के लिए कर्मचारियों ने गढ़ी लूट की झूठी कहानी। देवघर पुलिस ने 9 लाख की लूट मामले का 48 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में पीड़ित ही मुख्य आरोपी निकला है। उसने कंपनी के पैसे हड़पने की नियत से लूट की झूठी कहानी रची। इसमें अपने 2 साथियों की मदद ली। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए लूट के पैसे बरामद कर लिए हैं। बता दें कि 2 दिन पहले देवघर के नगर थाना क्षेत्र के झोंसागढ़ी मोहल्ले में 9 लाख रुपए की लूट की घटना सामने आई थी। इस मामले में पीड़ित मनीष कुमार ने थाने में केस दर्ज कराया था। देवघर पुलिस ने पूरे मामले को सुलझाते हुए मनीष और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।